हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फुल फाइबर से भरपूर कस्टर्ड जो कि स्वीट लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है। तो देखिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करके देखिए आल पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। हमने लिया है एक कटोरी ओट्स। ये हमारा ओट्स है। ओट्स को हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे हल्का सा गरम करेंगे। गरम मतलब जब इसको हम छुएं, हाथ से टच करें तो ये गरम लगे, बस इतना ही हमें करना है। तो 1 से 1.5 मिनट ही लगता है। देखिए, अभी ज़्यादा गरम नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा 20 सेकंड और थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेते हैं। तो जैसे ही इसको छूते हैं और गरम लगे, वैसे ही हमें गैस को ऑफ कर देना है। देखिए, अब गरम हो गया है मेरा ओट्स और गैस को ऑफ कर देती हूँ। गैस हमने बंद कर दिया और इसे हम मिक्सी जार में डालेंगे और दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, हल्का सा दरदरा पाउडर बनाना है, बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बनाना, इसका पाउडर नहीं बनाना। बस एक बार मिक्सी को चलाना है और बस तैयार हो जाता है। तो एक बार हमने चलाया और बिल्कुल दरदरा सा ओट्स का पाउडर स्वीट बनाने के लिए रेडी हो गया है। देखिए, ये देखिए, अभी दिखाती हूँ मैं चम्मच से। तो इतना दरदरा हमें चाहिए, बिल्कुल जैसे कि एक टुकड़ा ओट्स होता है ऐसे ही, बहुत बारीक होता है, घुल मिल जाता है। तो थोड़ा सा हमने, क्योंकि स्वीट बनाना है, ये देखिए इस तरह से मुझे चाहिए। तो दूध हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, और दूध में अगर आपको स्वीट पसंद है तो आप धागे वाली मिश्री थोड़ा सा डाल सकते हैं, तो मैंने नहीं डाला है इसमें। और अगर मीठा नहीं पसंद है तो आप ऐसे ही इसे गरम कर लें, और ओट्स को जो हमने थोड़ा सा पाउडर बनाया था उसको डालते हुए हम चलाते रहेंगे कलछी से, क्योंकि अच्छे से ये इसी में पक जाए, नहीं तो चिपक जाएगा क्योंकि पाउडर बन चुका है। तो थोड़ा सा ओट्स डालिए और चलाते हुए इसे, मतलब बराबर चलाते रहना है। और ये अभी बस हमने सारे ओट्स को डाल दिया, और हम जब इसे चलाएंगे 2-4 मिनट तक चलाते चलाते, 1-2 मिनट में ही ये गाढ़ा हो जाता है, 4 मिनट तो बन के तैयार हो जाता है। तो बस चलाते चलाते बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा और ये गाढ़ा हो जाएगा। देखिए, अभी ये उबाल आ रहा है तो इसलिए अभी पक्का नहीं है। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट ये स्वीट बनकर तैयार होता है। तो जिसको भी प्रॉब्लम होती है, वो लोग स्वीट खाने से डरते हैं, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, ये देखिए इसका टेक्सचर इस तरह से जब हो जाता है। अगर आपको गाढ़ा लगता है तो थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं, और अगर पतला लगता है तो थोड़ा सा ओट्स डाल के हम पका सकते हैं। तो ये हमारा ठंडा होने के लिए अब रख देते हैं इसको। इधर हम फ्रूट काट के मैंने रखा, देखिए ये हमने पपाया, अनार और आम, आप इसमें बनाना भी ऐड कर सकते हैं। ये किशमिश, किशमिश फुल फाइबर होता है। और इसमें देखिए, ये सब्जा सीड्स हमने आधे घंटे पहले 2 चम्मच सब्जा सीड्स को 1 कटोरी पानी में भिगो के रख दिया था, तो अच्छे से फूल गया है। और हम देखिए, एक बाउल में अब ठंडा हो गया मेरा ये जो बनाया था ओट्स, स्वीट ओट्स बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो इसको हम बाउल में निकालेंगे, जितना मुझे तैयार करना है, तो 2-3 कटोरी बनाना है मुझे, तो बाउल में मैंने निकाल लिया। देखिए, तो इतना काफ़ी है, क्योंकि इसमें फल भी जाएंगे तो 1 कटोरा बाउल भर जाएगा, इसलिए आधा ही डालना है। और इसमें डालते हैं अनार, जो कि फुल फाइबर होता है। और आम को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आम हम खा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा आम डाल देती हूँ, पपाया को थोड़ा ज़्यादा कर दूँगी, क्योंकि पपाया फुल फाइबर होता है। तो देखिए, हमने पपाया भी डाल दिया थोड़ा सा ज़्यादा, और इसमें अब हम डालेंगे सब्जा सीड्स, जो कि गर्मी के लिए काफ़ी अच्छा होता है और फुल फाइबर होता है, वेट भी कम करता है। और ऊपर से डाल देते हैं किशमिश, जिससे कि इसका टेस्ट थोड़ा दुगना हो जाए। तो हमारा ये फुल फाइबर युक्त स्वीट बनकर तैयार है, और बहुत ही टेस्टी है, और आप इसे ज़रूर बनाइए। इतना टेस्टी होता है कि बार बार इसे खाने का मन करता है। और मीठा खाने से हम सोचते हैं मीठा नहीं खाते हैं मीठा, तो ये हम जब खाते हैं तो मीठा खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होगी, और इसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि आप इसे बार बार बनाएंगे।
तो बहुत ही अच्छा मेरा स्वीट फाइबर युक्त फुल फाइबर मतलब बनकर तैयार हो गया है। और इसको थोड़ा सा हम गार्निश कर देते हैं। तो थोड़ा सा हमने सब्जा सीड डाल दिया ऊपर, और थोड़ा सा डालते हैं अनार। अनार के दाने सफ़ेद थे इसलिए कलर अच्छा थोड़ा नहीं है, और अगर लाल दाने होते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। और फिर हमने डाल दिया इसमें पपाया, और थोड़ा सा आम डालूँगी। और आप इसमें बनाना डालेंगे तो इसका जो टेस्ट है और भी अच्छा हो जाएगा। तो देखिए हमारा कस्टर्ड जो है ये तैयार हो गया है, स्वीट डिश बहुत ही टेस्टी। तो आप इसे ज़रूर खाइए, बनाइए। और अब मेरे चैनल पे इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।